अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपका अपना होस्ट बाबा जी, सेव हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ पाकिस्तान, सेव गुरुद्वारा एंड टेंपल्स ऑफ पाकिस्तान, पंजाब एंड पंजाबी सिख पीरियड फुटस्टेप्स इन पाकिस्तान। ग्रुप है प्यारा ननकाना साहिब और ये है मेरा पाकिस्तान, पोठवार और पोठोहारी। द हेरिटेज ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान हेरिटेज क्लब एंड शाहिद शबीर फोटोग्राफी, ये तमाम हैं मेरे पेजेस जिनमें मैं काम कर रहा हूँ। और आज मैं आपको लेकर आया हूँ चकवाल की सैदपुरी विलेज या सैदपुर विलेज, जो कि कभी सैदपुर शहर था छोटा, कटास के रास्ते में जाते हुए चकवाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर बड़ा नाम था इसका। यहाँ पर बहुत बड़ी एक मंडी थी और ये हिंदुइज्म का गहवारा था और गढ़ था कभी। पास में कटास राज होने की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा सारी जो मालूमात हैं वो ज़्यादातर जो मुझे सामने आ रही हैं वो हिंदुइज्म के बारे में ही सामने आ रही हैं। और ये जो सामने आपको गेट नज़र आ रहा है, ये इस वक्त का जो बड़ा हॉस्पिटल था इस छोटे शहर का, जिसका नाम था श्रीमती सत भराई बाई जी, यानी कि सात भाइयों की एक बहन, जिनके नाम पर ये हॉस्पिटल बनाया गया था। और इनके अंदर बने हुए चार कुएं अभी तक मौजूद हैं किसी हालत में, बरकैफ वो खुश्क हो चुके हैं। हॉस्पिटल की इमारत में अंदर जाके देख के हैं, सिर्फ एक कमरे के अलावा तमाम कमरे जो हैं वो गिर चुके हैं। कभी यहाँ पर शानदार किस्म के 27 कमरे थे और 1947 से पहले यहाँ पर एक डॉक्टर साहब दिल्ली से आए, उन्होंने एक दिन के अंदर एक वीक के अंदर 72 ऑपरेशंस किए थे। 72 आई जो थे ऑपरेशंस किए थे इसी इलाके में चैरिटी के तौर पे, विदाउट ऑफ एनी पेमेंट, लोगों की जो है रफाए आमा के लिए। और साथ भराई जी ने यहाँ पर चार कुएं खुदवाए थे जो पब्लिकेशंस के लिए थे। अभी ये विलेज से थोड़ा सा ईस्ट वाली साइड पे है, जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़ी रसाई मुश्किल है, यहाँ पर आना मुश्किल है, क्योंकि आप देखें गांव ये ऊपर है, वो सामने ऊपर नज़र आ रहा है आपको गांव, और गांव की ईस्ट साइड के ऊपर जो है वो ये सारा बनाया गया। यहाँ पर तारीखी मंदिर भी देखा, आर्या समाजी बिल्डिंग भी देखी, फिर मैंने यहाँ पर एक जंज घर भी देखा। और अमेजिंग फुटस्टेप्स हैं, मैं कहूँगा कि हिंदुज़म के या हिंदू शाही के बाद के बहुत अच्छे और बहुत खूबसूरत किस्म के असरात जो हैं वो मुझे देखने में नज़र आए। कहीं यहाँ पर इसके ऊपर पूरी इसकी सेवा कराई भी पूरी लिखी गई थी कि यहाँ पे क्या क्या और किस किस ने बनाया था। और भराई का आप देखें, ये देखें आप BH, ठीक है, जो है वो अभी तक नज़र आ रहा है, यानी कि सत भराई, सात भाइयों की एक बहन, और उसके प्यार में ये हॉस्पिटल बनाना। मैं एक पहले भी मैं तारीफ़ करता हूँ इस चीज़ की कि नेकी का काम कोई भी करे, पुण्य का काम कोई भी करे, उसको हाईलाइट करना चाहिए, ख्वाह वो किसी भी धर्म से हो। तो यही मेरा आज का मिशन है और इस जगह तक पहुँचने के लिए मेरी मदद की मेरे अपने जो व्यूवर हैं मेरे पेज के ऊपर, राजा उमर सुल्तान साहब, अब तो इस वक्त वो बैठे हैं सऊदी में, लेकिन उनके आगे से जो दोस्त थे उन्होंने मुझे इंटरलिंक करवाया उनके साथ, मुदस्सिर भाई, वो आ चुके सफ़र में मेरे साथ हैं, मेरे होस्ट वो हैं, और मैं आज उनके पास आया हूँ सैदपुर विलेज में। ये शाम के ढलते साए उन नेक लोगों के नाम जिन्होंने ये सेवा करवाई थी उस वक्त इस ऐसी जगह के ऊपर जहाँ पर आम आदमी की रसाई आज भी बहुत मुश्किल है। रावलपिंडी से आते हुए कम अज़ कम आपको 2.5 घंटे लग जाते हैं यहाँ पर पहुँचते। तो आप देखें कि यहाँ पर उस वक्त जो है इतना विशाल गेट, आपको कम से कम ये 18 फुट ऊंचा गेट है इस वक्त जो आप मुझे सामने नज़र आ रहा है, उस वक्त ये बनाया गया। और यहाँ पर जो लोग आते थे इलाज करने के लिए, ये साथ जो जगह थी सारी वो सिटिंग एरिया बना हुआ था, इसके पत्थर आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो देखते रहिए सेव हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ पाकिस्तान। मैं हूँ आपका अपना होस्ट बाबा जी, और आज आपको दिखा रहा था मैं एक जो हिंदू भाई है उसके हाथ से बना हुआ एक खूबसूरत किस्म का हॉस्पिटल का गेट, जिसके अंदर मतलब कि एक दिन के अंदर 72 ऑपरेशंस किए गए थे प्री पार्टीशन 1947 में। इसके कुएं की जो सेवा कराई है वो 1939 की नज़र आती है, लेकिन उस डेफिनेटली कुआं बाद में बना होगा और हॉस्पिटल उससे पहले। मैं आपका अपना होस्ट बाबा जी, सेव हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ पाकिस्तान, पंजाब पेज, पंजाब एंड पंजाबी, पोठवार और पोठवारी,
हेरिटेज ऑफ पाकिस्तान ग्रुप को ज्वाइन करें या आप मेरे मेंबर बन जाएं पाकिस्तान हेरिटेज क्लब के।